हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फिल्म आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का इस हफ्ते की दूसरी फिल्म यानी कि कब्जा के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई। फ्रेंड्स, कब्जा एक कनाडा मूवी है जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई है। ये फिल्म हिंदी भाषा में भी आई है। वही नॉमिनेट क्या हुआ भाई, चक्कर आ रहा है, लग रहा है कि वीडियो में कोई फॉल्ट है। नहीं नहीं नहीं, देयर इज नो फॉल्ट इन द वीडियो, दिस इज हाउ यू विल सी कब्जा ऑन द बिग स्क्रीन। कब्जा हैज यूज द ब्लैकआउट टू द मैक्सिमम, इतना कि आपका दिमाग ब्लैकआउट हो जाएगा। यू विल विजिट एन ENT आफ्टर दिस मूवी, क्योंकि गाइस BGM जब इफेक्टिवली यूज होता है ना, तब मजा आता है। अनोइंगली नॉर्मल से सीन को अपने लाउड BGM से इनहेंस करना फिल्म मेकिंग नहीं होता। दिस फिल्म सफर्स अ मेजर हैंगओवर ऑफ KGF। मैं इस रिव्यू में सबसे पहले आपको एज अ फिल्म कब्जा को रिव्यू करूंगा, उसके बाद KGF पे आएंगे आएंगे, क्योंकि दिस इज एन आउट एंड आउट कॉपी ऑफ KGF। चाहे उसकी सिनेमाटोग्राफी हो, उसका कलर ग्रेडिंग हो, उसका ब्लैकआउट तो ऐसा यूज किया भाई। KGF में एक सीन था कार चेस का, उन लोगों ने यहाँ पर हाईवे पे शूट किया, VFX के द्वारा उसको डेजर्ट दिखाया, वो उनके यहाँ पर टेक्निक एक बार यूज की, खत्म ये पूरी पिक्चर। अरे कोई सीन हो, कोई महत्व का हो, तब हो ना ये सीन। एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटमेंट गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ। नॉर्थ इंडियन ऑडियंसेस जब ये फिल्म देखेगी, दे विल बी लाइक, क्या हम वापस से KGF यहाँ पर बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यश, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रॉकी। मैं हर 2-3 दिन में अमेजोन खोले KGF 2 देखता हूँ। यहाँ पर कब्जा इस KGF 1 प्लस KGF 2। KGF 2 आने से पहले उन्होंने KGF 1 को इतना मजबूत बनाया था कि लोग पागल हो गए थे। KGF 2 में रॉकी बस खड़ा भी होता था ना तो पब्लिक सीटियां तालियां मारती थी। All this has been completely put to, you know, इतना miserably shown over here in कब्जा। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कब्जा की एज अ स्टैंड अलोन फिल्म, फिर हम लोग KGF के ऊपर आएंगे। फिल्म की शुरुआत होती है गाइज यहाँ पर, किस तरह से श्रेया सरन, आई मीन माई गुडनेस, देयर इज अ सॉन्ग सीक्वेंस इन द स्टार्ट ऑफ दिस फिल्म। श्रेया सरन डांस कर रही है, वो गाना खत्म ही नहीं हो रहा है। शी इज जस्ट कंटिन्यूसली डांसिंग 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 डांसिंग, एंड पोस्टर पे आपने शिवराज कुमार को लगाया है। सीरियसली द ऑडियंस फील्स चीटेड, इतना छोटा सा रोल। किच्चा सुदीप का जो पहला सीक्वेंस है, इतना ड्रैग लगता है गाइस। यहाँ पर उनको भी यहाँ यूज नहीं किया है, इट इज कम्प्लीटली एन उपेंद्र शो। जितने लोग उपेंद्र जी की फिल्में देख चुके हैं, जितने लोग उपेंद्र जी को जानते हैं, उनको पता है उपेंद्र जी का क्या टैलेंट है। उपेंद्र इज वन ऑफ द मोस्ट, यू नो, बोलते ना ऐसा डायरेक्टर जो अपने विजन से आगे फिल्म बनाता है, वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में उनको किस तरह से यूज किया गया है यहाँ पर। उनका एक भी सीन यहाँ पर, क्या वो गन फायरिंग कर रहे हो, चाहे वो खड़े हो, स्वैग, सब गाने KGF लग रहे हैं। गाना भी KGF, सलाम रॉकी भाई, यहाँ पर उसी तरह के कपड़े पहने, वही सेट्स यूज कर रहे हैं। KGF के कैरेक्टर्स भी सेम रिपीट कर दिए इस फिल्म में। वो पूरा का पूरा हॉल रूम KGF चैप्टर 2 का है। वो पूरे के पूरे कार चेस सीक्वेंसेस, वो विंटेज कार महल, एंड व्हाट VFX, माय गुडनेस, पूरे के पूरे गाड़ी के टायर लग रहे, हवा में उड़ रहे यहाँ पर। क्या बोलूं गाइस, इट वाज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटिंग इन द सिनेमा हॉल्स। सबसे पहले गाइस शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली फिल्म की कहानी क्या है। ओपनिंग सीक्वेंस इज सुपर्ब, आई लिटरली क्राइड इन द ओपनिंग सीक्वेंस। पूरा एक मिनट जो है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार, स्वर्गवासी डॉक्टर पुनीत राजकुमार यानी कि नम अप्पू, उसको डेडिकेट किया गया है यहाँ पर। वहां से फिल्म की शुरुआत होती है, उनका जन्मदिन है गाइस यहाँ पर। सुदीप की एंट्री होती है यहाँ पर, सिटी मार्केट के नीचे एक ग्राउंड है, वहां पर शूट किया है वो सीन। एंड वहां पर वो सभी गुंडे लोगों को बुलाता है एंड कहता है कि तुम्हारे बाप लोगों का नाम क्या है बताओ। एंड वहां से फिल्म फ्लैशबैक में जाती है एंड 1945 संग्राम नगर में एक सीन है, जहां पर एक देशभक्त है जो आजादी के लड़ता है, उनके दो बेटे रहते हैं, एंड किस तरह से उनकी हत्या होने के बाद दो बेटे और माँ जो है यहाँ पर अमरपुर आ जाते हैं। एंड वहां से किस तरह से वो बच्चे बड़े होते हैं, उसमें से एक यहाँ पर एक एयरफोर्स पायलट बन जाता है, दूसरा यहाँ पर मजदूरी करके अपने घर को संभालता है। ऐसा क्या हो जाता है एक दिन में कि खालिद नाम का गुंडा रहता है उस गांव में अमरापुर में, जो कि यहां पर बड़े भाई की हत्या कर देता है, उसकी मुंडी काट देता है। आई मीन गर्दन तो ऐसी कट रही है कि मस्ती चल रही है, नाल पानी वाला है ना, ना हाल नीर कड़पा, हाँ हाल नीर कड़पा, तकड़ा मुंडी कट, अरे तकड़ा बीसी बीसी, अरे क्या चल रहा है पिक्चर में, मुंडी काट रहे, खटाखट 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 खटाखट। आई मीन लिटरली इट वॉज लुकिंग सो गिमिकी, पूरे की पूरी मूवी जो है इतनी गिमिकी लग रही थी गाइज यहाँ पर। हाँ मुंडी कट हो रही, उसका किस तरह से उपेंद्र यहाँ पर रिवेंज लेता है। केमिस्ट्री इज हॉरिबल,
श्रिया शरण उपेंद्र जी की जरा भी केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है। उपेंद्र जी एज अ पायलट वॉज नॉट एट ऑल लुकिंग कन्विंसिंग ओवर हियर। एंड बॉस उपेंद्र इज मैरिड इन द फिल्म, टू किड्स, उसको आइटम नंबर क्यों चाहिए मेरा भाई? वो इतना प्यार करता है श्रिया शरण के साथ, आइटम नंबर एब्सोल्युटली नॉट डन गाइज। यहाँ पर बात करें कव्वाली की, कव्वाली तो इतनी खराब लग रही थी गाइज यहाँ पर। सिनेमाटोग्राफी, अब गाइज बात करते हैं प्लस पॉइंट्स की, तो यही है उपेंद्र कैसे गैंगस्टर बनता है, किस तरह से लोग आते जाते हैं। वहां पर डायरेक्टर प्रशांत नील ने पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया था यहाँ पर, यू नो ये विलन आ रहा है, वो विलन आ रहा है, एंड्रूज आ रहा है, ये यहाँ से मुंबई से आ रहा है, एक लग रहा था कि स्टोरी, यहाँ तो कुछ भी चल रहा है। उपेंद्र मारे जा रहा है सबको, सब मरते जा रहे हैं, उपेंद्र राजा बनते जा रहा है, मारे जा रहा है, राजा बनते जा रहा है। द फर्स्ट हाफ इज सो बैड ऑफ दिस फिल्म गाइज, इट इज अनबेरेबल। सेकेंड हाफ में आप जब बैठते हो आपको लगता है कि मैं क्या हो रहा है स्क्रीन पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर क्लाइमैक्स में वो क्लिफ हैंगर नहीं होता ना, ये फिल्म खत्म थी मेरा भाई। वो क्लिफ हैंगर थोड़ा बहुत करना ना ऑडियंस को अच्छा लगेगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ की ऑडियंस को वो भी समझ में नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा। दैट सीन इज शॉट वेरी बैडली ओवर देयर। द क्लिफ हैंगर इज गुड जो आपको सेकंड पार्ट में, यानी कि अंडरवर्ल्ड का कब्जा जो उसमें दिखाना है वो अच्छा है। बात करें फिल्म के प्लस पॉइंट्स की, सिनेमाटोग्राफी इज सुपर्ब, टेक्निकली दिस फिल्म इज अ वेल मेड फिल्म। अगर ये फिल्म 5 साल पहले रिलीज होती उसको देखने का नजरिया अलग होता, लोग उसको एक अलग नजर से देखते हैं। आफ्टर सीइंग KGF, चाहे बंगला हो, उपेंद्र जी के कपड़े हो, गाने हो, पूरा का पूरा जो BGM हो, कलर ग्रेडिंग हो, यू कैन नॉट जस्टिफाई द सिमिलैरिटीज, कोई नो अमाउंट ऑफ जस्टिफिकेशन कैन जस्टिफाई दीज सिमिलैरिटीज गाइज। यहाँ पर चाहे हेलीकॉप्टर सीक्वेंस हो, जेल सीक्वेंस काफी अच्छी तरीके से यूज किया गया। यहाँ पर श्रेया शरण लुक्स वेरी क्यूट, उनके पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम्स जो दिए गए हैं, उनकी जो ज्वेलरी है वो बहुत ही अच्छा है गाइज यहाँ पर। लेकिन एलिवेशन सीन्स जो रहते हैं ना, यू डू नॉट फील द एलिवेशन, सीरियसली बोल रहा हूँ, और सेम कट बार बार यूज हो रहा है। अरे व्हाट इज देयर, व्हाई रिक्वायरमेंट? हाँ कॉन्सेप्ट अच्छा था फिल्म का, फिल्म का डायरेक्शन बहुत पुअर है। चंद्रू जी ने यहाँ पर जिस तरह का इम्पैक्ट होना चाहिए था, KGF हैड एन इम्पैक्ट, रॉकी हैड एन इम्पैक्ट ऑन अस, अनफॉर्चुनेटली उपेंद्र जी का जो कैरेक्टर है यहाँ पर इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं डलता, एवरेज, एकदम एवरेज बोलूंगा गाइज यहाँ पर। पूरी की पूरी फिल्म उन्होंने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बनाई, VFX बहुत ही खराब है, रिवेंज नॉर्मल यूजुअल रूटीन रिवेंज स्टोरी लगती है गाइज यहाँ पर। ऐसा एलिवेशन देना चाहता कि फिल्म फाड़ के निकलती। विलन्स नवाब शाह नॉट एट ऑल कन्विंसिंग, एकदम बेकार लगते है। गाने श्रेया शरण का स्टार्टिंग का इतना खराब है गाइज यहाँ पर, जो एटीट्यूड था रॉकी का वो कम्प्लीटली मिसिंग था यहाँ पर गाइज। अगर आप KGF जैसी फिल्म बना रहे हो तो KGF में जो स्वैग था रॉकी का, वो रॉकी के स्वैग के वजह से फिल्म चली है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली जो किरदार उपेंद्र जी का, उनको सिगार दिया है, सूट दिए है, लंबे बाल दिए है, हाथ में गन दी है, बट द मेन पर्पस इज मिसिंग। पीपल हैव आइडल वर्शिप KGF। ये फिल्म रॉन्ग समय पर आई है, अगर ये 5 साल पहले आती तब शायद लोगों का नजरिया अलग होता, लेकिन आफ्टर KGF इट इज सीरियसली, दिस फिल्म लुक्स लाइक ओवरडोज, इट्स अ रेपिटेटिव अफेयर गाइज। यहाँ पर उपेंद्र गोलियां मारते जा रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, BGM बचता रह रहा है गाइज यहाँ पर, सेम कैमरा एंगल, सेम लाइटनिंग, कब्जा इज अ सेंसलेस अफेयर गाइज। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, दिस इज द हार्श ट्रूथ। आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, ट्विस्ट इन द क्लाइमैक्स, इन द प्री क्लाइमैक्स इज गुड, जो क्लिफ हैंगर पे सीन है वो अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, KGF डायरेक्शन के मामले में कम्प्लीटली डिसअपॉइंट करता है यहाँ पर। सीरियसली इमोशनल ड्रामा है श्रिया शरण मुरली शर्मा का, फॉल्स फ्लैट, द केमिस्ट्री फॉल्स फ्लैट, एक टायर सम अफेयर। फिल्म बहुत शॉर्ट है, 2 hours 16 minutes की फिल्म है गाइज, लेकिन जो स्क्रीन प्ले है, एडिट है यहाँ पर, डायरेक्शन है, वो कम्प्लीटली मजा नहीं आता। ये फिल्म अच्छी बन सकती थी, KGF से बड़ी बन सकती थी विद सुदीप शिवन्ना एंड उपेंद्र जी, अनफॉर्चुनेटली डजेंट मैच अप। अगर क्लाइमैक्स अच्छा नहीं होता तो मैं फिल्म को 1 star देता, जस्ट बिकॉज द क्लाइमैक्स इज गुड आई गिव दिस फिल्म अ वेरी जेनरस 2 on 5 stars, वो भी एक बहुत भारी मन से। यू कैन स्किप कब्जा इन द सिनेमा हॉल्स, एंड डबिंग इज वेरी बैड, द हिंदी डब इज एब्सोल्युटली मिजरेबल, बहुत खराब डबिंग की गई है गाइस जिसने भी किया, एंड लिरिक्स बाय शब्बीर अहमद इज पथेटिक, सीरियसली बोल रहा हूँ। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।